संतोष में मुरादाबाद गेट पुलिस चौकी के करीब सरकारी देशी शराब की दुकान के सेल्समैन की वहां पर रहने वाले स्थानीय लोगों ने जमकर पिटाई की। जनपद संभल के चंदोसी कोतवाली में दिन के लगभग 11:30 बजे की घटना है कि शराब का सेल्समैन अपनी दुकान की चाबी लेकर वहां पहुंचा और उसने ताला खोलने के लिए ताले की चाबी लगाई, लेकिन चाबी नहीं लगी तो वह अपनी दुकान का ताला तोड़ने लगा और वहां के स्थानीय लोग आ गए और उसे पीटने लगे और वह अपनी जान बचाने के लिए मुरादाबाद गेट पुलिस चौकी में अंदर जाने का प्रयास कर रहा था, लेकिन दबंगों ने उसे पुलिस चौकी में नहीं जाने दिया और घसीटकर सड़क पर उसके साथ मारपीट करते रहे। इसकी घटना पुलिस को दी गई। पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में ले लिया, साथ ही वहां पर स्थानीय लोगों ने पुलिस के साथ भी अभद्रता दिखाते हुए नोकझोंक करनी शुरू कर दी। सूचना पर घटना स्थल पर पहुंचे CO और SDM चंदोसी ने तत्काल दबंगों के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दिए। अब चंदोसी कोतवाली पुलिस दबंगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करने की तैयारी में है। आज मुरादाबाद गेट के पास देसी शराब की दुकान थी, उसमें पूर्व में जो आदेश निर्गत हुआ था कि शराब की दुकान नहीं खोली गई, इसी परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने यहाँ पे प्रशासन ने उसमें अपना ताला भी डाल दिया था और उसको सील कर दिया था। जब वो सेल्समैन गया ताला खोलने तो उसकी चाबी नहीं लग पाई, इसके वजह में वो अपना ताला तोड़ रहा था तो वहीं अगल बगल के लोग पहुँच गए और सेल्समैन को मारने लगे। सेल्समैन भगा पुलिस के पास, पुलिस तुरंत पहुँची है, अब 3 लोगों को उसने तुरंत उठा लिया है और कोतवाली लाकर उस पर विधिक कार्रवाई, मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर पुलिस के साथ भी वसूली की गई है? हाँ, उसका मुकदमा भी दर्ज होगा, जिन्होंने ऐसा किया उनके खिलाफ़ भी कार्रवाई, कड़ी कार्रवाई की जाएगी।